नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज जो कोरोना काल के समय सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, जो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हम प्रकृति से फ्री में ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में हम कुछ उसको देते नहीं हैं। तो हम जो फ्री में आज उसकी वैल्यू हमें पता लग रही है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको 60-60 हज़ार रुपये में मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम एक साल के अंदर 10 से 12 पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे हम जो प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़े और सभी स्वच्छ रहें, मतलब सभी को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे और ये जो प्रदूषण है इसका लेवल भी कम होता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज लगभग 8-10 पेड़ लगाए हैं, तो आपको दिखा देते हैं। तो जो सजावट के काम भी करेंगे और ऑक्सीजन का काम भी करेंगे। तो मैंने कल एक पादप लगाया था और ये देखिए, तो ये आज परिपूर्ण हो गया है। मैंने कल शाम के समय लगाया था। तो आप कोई भी पादप लगा रहे हैं तो उसको शाम को समय लगाइए, जिससे क्या है कि पादप के लगने की जो संभावना है वो 90% क्या पूरी 100% ही पूरी पूरी हो जाती है कि वो पादप लगेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये कल मैंने सेकंड जो दूसरा पादप है ये दूसरा लगाया है, आप देख सकते हैं लोकेशन अलग है और ये भी पूर्ण रूप से लग चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट पादप पे ले चल, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की पादप की, जो आप देख सकते हैं लोकेशन अलग है और ये तीसरे नंबर का पादप है, पूरी तरह से स्वस्थ है, तो एकदम ये तैयार है। साथ में मैंने ये देखो ग्वार की फली वगैरह भी लगा रखी है। तो चलते हैं, ये है चौथा नंबर का पादप। तो दोस्तों, ये पूरे पादप मैंने बिना किसी नर्सरी के परचेज किए, मैंने घर पे इनको तैयार किया है। तो इसको तैयार करने की जो विधि है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब चलते हैं पाँचवें नंबर पादप की ओर। ये है पाँचवें नंबर का पादप, जो आप देख रहे हैं बड़ा हष्ट पुष्ट है, खुशहाल है एकदम। इसमें छोटी सी कुछ बीमारी है तो इसलिए इस पत्ती को हम अलग कर देते हैं। तो आप देखते हैं इसमें से दूध निकलता है। ये देख रहे हैं, ये छठे नंबर का पादप है, लोकेशन बदल चुकी है और ये छठे नंबर का पादप है। ये सातवें नंबर का पादप है, आप देख रहे हैं सभी पादप के जो मैंने इनको घर पे तैयार किया है। तो आप इनके जो बीज संकुरण होता है पादप, तो उसके नीचे की पत्तियाँ ऐसे ही हैं और पादप ये भी खुशहाल है। और पास में मैंने हेज के जो पौधे लगा रखे हैं, बड़े शानदार हैं। अब मैं चलता हूँ 8 नंबर, जो लास्ट पादप है, और ये आप देख सकते हैं 8वें नंबर का पादप है, जो सबसे लास्ट में मैंने लगाया है। तो मैंने कुल 8 जो कनेर के पादप हैं, ये कनेर की पत्ती आप देख सकते हैं, तो ये कनेर के पादप हैं और मैंने कुल टोटल 8 पादप लगाए हैं और लगभग मेरे पास अभी 10 पादप मैंने तैयार कर रखे हैं घर पे, ठीक है। तो अब इनकी जैसे जैसे क्या है, आगे बारिश का मौसम आएगा तो ये अच्छी तरह से पूर्ण रूप से लग जाएंगे। अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इनको जो डेली है पानी देना पड़ेगा, और जिससे क्या है कि ये पूर्ण रूप से लग जाएंगे और इनके अंदर जो पानी की कमी नहीं आएगी। और थोड़ा सा विकसित होने के बाद आगे जो 2 महीने बाद बारिश का जो मौसम आएगा तो ये उसमें अच्छी ग्रोथ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम दिखाते हैं कि ये पौधे किस प्रकार से एक शानदार लाइन के अंदर हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं, इसमें कनेर के पादप जो सामने आपको देख रहे हैं, ये पादप है, तो ये पिछले साल ही लगाया था, यानी कि पिछले साल इसी टाइम लगाया था और अब ये तक ये इतना बड़ा हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो इस पे फूल भी आ रहे हैं, बड़ा शानदार लग रहा है। तो ये मैंने पूरे एक लाइन के अंदर लगाए हैं और लगभग एक पादप से दूसरे पादप की जो दूरी है वो दूरी लगभग है 5 फीट के आसपास, 5, 5.5, 6 फीट के आसपास ये दूरी है और इसके एक लाइन के अंदर। तो अगले इस सीजन तक जो पादप हैं वो इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे और इन एक लाइन के अंदर एक एरिया कवर करेंगे, बड़े ही शानदार लगेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो ये कनेर का जो पादप है, इसके आप घर पे ही कैसे पौधे तैयार कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो।